मिस्टर, आई एम योर मैथ्स टीचर फ्रॉम लतीफ़ नियाज़ी मेमोरियल हाई स्कूल। बेटा हमारे पास जो हमने यहाँ पे फॉलो की थी 5.2, उसमें हम ये बात कर रहे थे यहाँ पे, ये हमारे पास हमने कहा था कि हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन, हमारा जो आंसर हमने गेन किया वो सही है या नहीं। तो हमने बात की थी कि हम इसको किस तरह से फॉलो करेंगे। हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था 8 8 64, ठीक है, 6 कह रहा हूँ, 8 1 8, और 8 में जब हम 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास 144 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 1 8 8, 1 1 1, हम देख सकते हैं बेटा कि हमारे पास 324 आ गया है। और ये हमारे पास, हम यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जिस डेसिमल से, इस डेसिमल के एक सर्कल हम सपोज करके बना लेते हैं, उसके अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने ही हम डेसिमल के जो हम लगा रहे होते हैं, तो उसको हम बिफोर जो हमारे पास होता है डेसिमल, वहाँ हम उसको फिलअप करते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा 5.2 का कंप्लीट। अब हमारे पास क्वेश्चन हो गया ये, इसके बाद बेटा मैं आपको बताऊंगी 5.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 5.3 हमारे पास, जी बेटा हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं 5.3। और 5.3 हमारे पास जो बेटा यहाँ पे हमारी वर्ड्स प्रॉब्लम मौजूद हैं। ठीक है बेटा, अच्छा, इस वर्ड्स प्रॉब्लम को हम किस तरह से फॉलो करेंगे, हम अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसकी मीनिंग को समझेंगे और हम इसका डेटा तैयार करेंगे। डेटा तैयार करने के बाद बेटा हमारे पास यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। बेटा आपको मालूम है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे एक जैसे मेथड के हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवाऊंगी और कुछ आपको मतलब समझाऊंगी, व्हाट्सअप करूंगी, और कुछ आपके होमवर्क में दूंगी। ठीक है, आपने बहुत केयरफुली अप्लाई करने हैं। जी बेटा, सबसे पहले तो हम अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 784 चेयर्स आर अरेंज इन एन एग्जामिनेशन हॉल इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ रोज। यहाँ पे कहा जा रहा है 784 चेयर्स को किसी एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह से सेट किया गया है, इस तरह से उनको रो वाइज अरेंज किया गया है, इस तरह से वहाँ पे अरेंज किया गया है कि जितनी रोज़ हैं उतनी ही चेयर्स हर रो में मौजूद हैं। ठीक है बेटा, आपने फाइंड क्या करना है यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ रोज़, आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। आपने फाइंड करना है रोज़ यानी कितनी कतारें बनी थी उनकी चेयर्स की, और हर रो में कितनी चेयर्स मौजूद थी। ठीक है बेटा, अब हमने इसको फॉलो करना है, इसका आसान सा हम डेटा बनाएंगे। मैंने पहले भी आपको डेटा बनाना सिखाया है ड्यू टू योर क्वेश्चन। जी बेटा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा तैयार करेंगे। और डेटा तैयार करने के लिए हमने बात की थी पहले भी कि हम अपने क्वेश्चन से हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया टोटल नंबर ऑफ़ चेयर्स हमारे पास कितनी थी, नंबर ऑफ चेयर्स हम कर लेते हैं 784, अंडर रख रहे हैं बेटा इसको, अंडर साइन रख रहे हैं। ठीक है बेटा, ये हमने रखा। अच्छा, ये एक्सरसाइज हमारी स्क्वायर रूट से रिलेट है, इसलिए हम यहाँ पे इसमें साइन लगा रहे हैं रेडिकल का। ठीक है बेटा, अब इसके बाद कहा जा रहा था आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास रिक्वायरमेंट है टू फाइंड नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। ठीक है बेटा, अब ये दोनों चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। अब इन दोनों चीज़ों के रिक्वायर्ड हमें किस तरह से फाइंड करने हैं। ठीक है बेटा, वही प्रोसीजर हमने जो अप्लाई किया था टू फाइंडिंग द फैक्टराइज स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे कोई मेथड नहीं लिखा हुआ, आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ, हम कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, 784, 4 इज़ द लास्ट डिजिट एंड 4 इज़ डिविजिबल बाय 2 ईजिली, 2 3 6, 2 9 18। ठीक है बेटा, 2 2 4, अगेन लास्ट डिजिट 2 है, 2 1 2, ठीक है, 2 9, आपके पास से 2 1 2, 2 9 18, 2 6 12, एंड अगेन 6 इज डिविजिबल बाय 2, सो वी अप्लाई देयर 2, 2 9 18, 2 8 16, 2 4 8, 2 9 18, नाउ 9 इज डिविजिबल बाय 3। जी बेटा, बात कर रहे थे हम अपने क्वेश्चन की, यहाँ पे 49 आ गया है, 49 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 7 7 7 49 7 1 7, इस तरह से हमारे बेटा इसके फैक्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसको किस तरह से फॉलो करूँगी, वही प्रीवियस मेथड हमारे पास होगा बेटा, 784 हम इसको अंडर रूट रखेंगे बेटा, यहाँ हमारे पास आ जाएंगे इसके तमाम फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2
एंड 7 × 7 हम इसके पेयर्स बनाएंगे बेटा। हर पेयर में से हम यहाँ से ले लेंगे एक एक डिजिट, 2 × 2 = 4, 4 × 7 = 28। ठीक है बेटा, 8 हमारे पास आ गया है इसका, यहाँ पे पेयर से मल्टीप्लाई होने के बाद नंबर 28 आ गया ये फिगर। अब यही हमारे पास क्या बनाएगी इसका, हैंस हैंस दैट मीन्स इस आप आ गए अपने आंसर की तरफ, नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। ठीक है बेटा, आपका जो रिक्वायर्ड आपने लिखा था वही आपके पास हैंस बनेगा, नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। ठीक है, दैट इज 28 एंड नंबर ऑफ रोज 28। इस तरह से बेटा हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से बेटा आपके जो क्वेश्चंस हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस वो इसी तरह से सॉल्व होंगे, डेटा आपके पास बनेगा बहुत आसान, आप डेटा बनाइएगा अपने क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व उसकी सॉल्विंग में आपको व्हाट्सअप करूँगी और कुछ बेटा आपको होमवर्क दूँगी, क्योंकि इनके प्रोसीजर जो है वो बेटा एक दूसरे से मैच करते हुए। इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर यूनिट नंबर जो 5 है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, 5.1 और 2 और 3 के साथ। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।